वन फुटबॉल इज द बेस्ट फुटबॉल है फॉर ऑल द फुटबॉल फैंस आउट देयर। देखें अगर आप एक फुटबॉल फैन है मेरे टाइप और जिसको भैया फुटबॉल की दुनिया से जो है वो अपडेटेड रहना पसंद है, डाउनलोड करो वन फुटबॉल ऐप को अभी के अभी। आप अपने फेवरेट क्लब को फॉलो कर सकते हो और फिर आपको वन फुटबॉल ऐप नोटिफिकेशन के थ्रू उस क्लब से रिलेटेड हर एक न्यूज, ट्रांसफर, स्पेकुलेशन, जो भी कहानी चल रही है। अच्छा, मैन यूनाइटेड को फॉलो कर रहा है तो भैया रोनाल्डो का क्या नाटक चल रहा है सब आपको जो है वन फुटबॉल ऐप बता देगा। साथ ही साथ आपको लाइव मैचेस के लाइव स्कोर्स, टीम शीट, प्रीव्यू, रिव्यू और सबसे गजब की बात यह है ना कि आजकल लाइव कमेंट्री भी वन फुटबॉल ऐप में मिलने लगे। तो भैया देरी किस बात की, फुटबॉल फैन हो डाउनलोड करो वन फुटबॉल ऐप को, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, फ्री अवेलेबल ऐप है, डाउनलोड करो और मजे लो फुटबॉल के, वन फुटबॉल के साथ। प्रीमियर लीग में जो है वो काफ़ी ज़्यादा टेबल में फेरबदल हो रहा है और रियल मैड्रिड एक तरफ जो है वो पॉइंट ड्रॉप कर दिए। हर एक गेम के बारे में जो है वो हम लोग बात करेंगे, वो आर्सेनल से लेकर के लिवरपूल से लेकर के रियल मैड्रिड तक। तो बने रहिएगा वीडियो को आखिरी तक देखना। एनीवेज है गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ AKG भाई साहब। सो प्रीमियर लीग भाई बहुत तूफानी चल रहा है, एज आई प्रेडिक्टेड इन माई जितने भी प्रेडिक्शंस वाले वीडियो हैं, वो चाहे मेरे चैनल पे, वो चाहे किसी और के चैनल पे कोलैब हो, आई सेड इट कि थोड़ा सा सरप्राइजिंग जो है वो हमको प्रीमियर लीग देखने को मिल सकता है इस सीजन बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड कप। लेकिन वर्ल्ड कप से पहले ही हमको जो है वो सरप्राइजेस देखने को मिल रहे हैं। आर्सेनल का गेम था भैया नॉटिंघम फॉरेस्ट के खिलाफ और आर्सेनल जो है वो उस गेम में 5-0 जो है वो जीत करके आती है, नॉटिंघम फॉरेस्ट को 5-0 तबाह करके आती है, यानी फॉरेस्ट में आग लगा करके आ गई आर्सेनल। और मैं बार बार कह रहा हूँ ये आर्टेटा का जो अपने यंगस्टर्स के ऊपर फेथ रखना था वो काम आ रहा है। उस गेम में जितने भी यंगस्टर्स थे उन्होंने जो है वो गोल मारा है, वो चाहे भाई साहब मार्टिनेली हो गया, वो चाहे भाई साहब ना मार्टिन ओडिगार्ड हो गया, हर एक यंगस्टर ने उस मैच में गोल मारा है। साथ ही साथ नेल्सन ने भी 2 गोल मारे हैं बहुत बेहतरीन। और एक साइनिंग जो आर्टेटा ने करी थी थॉमस पार्टी की, वो भी जो है वो भाई साहब गोल मार रहा है। तो आर्सेनल जो है वो बहुत ही बेहतरीन चल रही है, जिसके चलते अगर तुम अभी टेबल देखो प्रीमियर लीग की, आर्सेनल अभी भी ऑन टॉप ऑफ द टेबल है। अक्टूबर खत्म होने वाला, नवंबर चल रहा है एंड आर्सेनल इज टॉप ऑफ द टेबल विद 31 पॉइंट्स। सेकंड में है मैन सिटी भाई साहब विद 29 पॉइंट्स। तो गैप है इन आर्सेनल और भाई साहब मैन सिटी, काफी बेहतरीन आर्सेनल फैंस के लिए ये जो है वो खबर है। तो मैनचेस्टर में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने जो है वो 1-0 की विक्ट्री वेस्ट हैम के खिलाफ जो है निकाल करके ले आई है, जिसमें डिएगो डेलोट का वंस अगेन हमको बहुत ही ज्यादा जो है वो अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। एक गोल जो है वो रैशफोर्ड का देखने को मिला विद एरिक्सन गिविंग हिम द असिस्ट, और एरिक्सन और ब्रूनो फर्नांडिस की जो कॉम्बिनेशन जो है वो बनाई है ना भाई साहब एरिक टेक हैग ने, वो काफी बेहतरीन जो है बनाई है। अटैकिंग जो है वो जो प्रेमिसेस होते हैं वो एरिक्सन और ब्रूनो फर्नांडिस एक दूसरे में जो है वो भाई साहब ऐसे शिफ्ट करते रहते हैं, एंड कैसेमिरो भी आजकल बहुत अच्छी जो है परफॉर्मेंस दे रहा है। इफ यू आर वंडरिंग क्रिस्टियानो रोनाल्डो स्टार्ट करे थे कि नहीं करे, तो ही स्टार्टेड द मैच एंड उनका एक अच्छा खासा सो टाइप ऑफ परफॉर्मेंस हमको जो है वो देखने को मिला। तो 1-0 की विक्ट्री मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है वो निकाल करके ले आती है। और इस 1-0 की विक्ट्री के बाद अगर मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में बात करूं तो मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है वो 5th ऑन द टेबल हो जाती है और केवल 3 पॉइंट्स दूर है वो 3rd ऑन द टेबल टॉटनहम से। तो काफी अच्छा जो है वो इंटरेस्टिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड का कहानी चल रहा है, अच्छा कमबैक मैं कह सकता हूं सीजन में करी है। लेकिन तुमको पता क्या, एक टीम जो कमबैक नहीं कर पाई और वो है लिवरपूल। उस तरफ जो है वो भैया लिवरपूल 1-2 की जो है वो लॉस लेकर के आई लीड्स यूनाइटेड के खिलाफ। अब ये गेम जो है वो काफी इंटरेस्टिंग हुआ। देखें लीड्स यूनाइटेड जो है वो शुरुआत में ही एक गोल मार देती है, जहां पे जो गोमेस का एक गंदा सा जो है वो बैक पास था जो रोड्रिगो के पास फॉल हो गया और तुरंत गोल पड़ जाता है। लेकिन तुरंत भाई साहब मोहम्मद सलाह ने जो है वो एक गोल मार करके इक्वलाइज करवा दिया, जहां रोबर्टसन का बहुत प्यारा जो है वो क्रॉस आया था। लेकिन तुमको पता क्या, सेकंड हाफ में बेहतरीन परफॉर्मेंस लीड्स यूनाइटेड के गोलकीपर मैसियर ऐसे करके कुछ नाम है उसका, उसके तरफ से अपन को देखने को मिला, जहां डार्विन नूनेस को 1v1 तो रोका ही रोका, साथ ही साथ भाई साहब रॉबर्ट फर्मिनो का बहुत ही अच्छा हेडर भी उसने जो है वो रोका। बट एट दी एंड आखिरी में जो है वो लीड्स यूनाइटेड एकदम आखिरी में गोल मारती है, जिसके चलते पूरे अवे फैंस जो है वो पागल हो गए थे और जो है वो एक विन लीड्स यूनाइटेड लेकर के आ गए, जिससे उन लोग ये सोच रहे होंगे अभी कि यार इस विन के बाद तो अपन रेलिगेशन जो है वो टेबल से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन पता क्या प्रॉब्लम आ रही है लिवरपूल के लिए, लिवरपूल जो है वो इस लॉस के साथ 9th ऑन द टेबल हो गई है, जिसके चलते अब जर्गन क्लॉप के ऊपर और भी ज्यादा स्क्रूनिटी जो है वो आ गई है। फैंस क्वेश्चन कर रहे हैं, पुंडिट्स क्वेश्चन कर रहे हैं, जर्गन क्लॉप बहाने भी बहाने दे रहे हैं, या फिर मतलब फैक्ट्स भी हैं कि इंजरी वगैरह हो गई थी, हम हाफ इंजर्ड प्लेयर्स को जो है वो पिच में खिलाने के लिए लेके आए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अब क्या होगा जर्गन क्लॉप का नहीं पता, लेकिन अगर ऐसी कहानी चलती रही लिवरपूल की तो बीइंग वेरी ऑनेस्ट यार ऐसा लग रहा है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड हैज मोर चांसेस टू फिनिश इन टॉप 4 एज कंपेयर टू लिवरपूल। मेरे भाई लिवरपूल की हालत जो है वो खस्ता हाल नजर आ रही है। अब चलते हैं दूसरे लीग में और वो है लालीगा। देखें लालीगा के बारे में बात कर लूं
तो अदर गेम्स के बारे में तो बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन मैं बात करने वाला हूँ रियल मैड्रिड वर्सेस जिरोना के। देखें रियल मैड्रिड वर्सेस जिरोना जो है वो 1-1 खत्म होता है। जिरोना बीइंग आवर कैटलन नेबर्स हेल्ड बार्सिलोना, जहां पे उन्होंने रियल मैड्रिड को ड्रॉ करके 2 पॉइंट्स अहमियत वाले जो बार्सिलोना के लिए काफी ज्यादा अहमियत रखते हैं उनको जो है वो छीना। अब देखें इस गेम में काफी ज्यादा रेफरी के ऊपर जो है वो सवाल उठाए जा रहे हैं और उठाने बनते भी हैं, लेकिन मैं गेम के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। शुरुआत में जो है वो काफी अच्छी परफॉर्मेंस जिरोना हमको दिखाते हुए नजर आई। मैं कहूं तो बहुत ही ज्यादा ऑफेंसिवली जिरोना इन्वॉल्व थी अगेंस्ट रियल मैड्रिड, और ये बहुत सारी टीम्स करती नहीं है। दे लाइक टू सिट बैक एंड यू नो ट्राई टू काउंटर वो जो तुरंत काउंटर अटैक होता है लिवरपूल का, लेकिन जिरोना के भैया जी में दम था और वो जो है वो दिखाया उन्होंने। देखें अगर मैं गेम के बारे में बात करूं तो फर्स्ट हाफ में हमको रोड्रिगो की तरफ से एक पोल में शॉट लगते हुए भी नजर आया, और ऑन द अदर हैंड जिरोना के भी एक प्लेयर से भैया बॉल जो है वो पोल में लगते हुए नजर आया क्रॉस बार में। और वो जो जिरोना का शॉट था ना काफी बेहतरीन था, वहां कारवाहाल को जमीन में लिटा करके जो है एकदम लो क्रॉस डाला गया था और वो जाके गई क्रॉस बार में लगी थी। कोर्तुआ बीट हो चुके थे लेकिन क्रॉस बार में लगी थी तो उड़ गई बॉल। लेकिन तुमको पता क्या, एकदम आखिरी में विनीशियस जूनियर जो है वो गोल मारते हैं 70th कुछ मिनट पे, लेकिन उसमें वलवर्डे का भैया असिस्ट आता है। वलवर्डे वंस अगेन अ स्टार प्लेयर फॉर रियल मैड्रिड, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व ऑफेंस में भी और भैया डिफेंस में भी बहुत बेहतरीन यहाँ पे जो है वो वलवर्डे की तरफ से गेम देखने को मिला, और विनीशियस जो है वो ऑब्वियसली गोल स्कोर करते हैं। लेकिन आखिरी में होता यह है कि सेंसियो जो है वो हैंड बॉल दे देते हैं यहाँ पे जिरोना को, और उस हैंड बॉल के चलते जो है वो पेनाल्टी मिलती है भाई साहब जिरोना को। अब वो हैंड बॉल देखो था या नहीं था उसके बारे में मैं क्या ही बात करूं, क्योंकि आजकल भैया रेफरीज के मन के ऊपर रहता है वो हैंड बॉल है कि नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत तो मेरे को नहीं भी लगा और थोड़ा बहुत लगा भी, मैं नहीं बोलूंगा इस चीज के बारे में। लेकिन भैया पेनाल्टी मिलती है और ऑब्वियसली पेनाल्टी को कन्वर्ट करते हैं स्टुआनी, तो कोर्तुआ को जो है वो अलग साइड भेज करके अलग साइड जो है पेनाल्टी मार देते और यहाँ पे 1-1 का जो है वो स्कोर लाइन हो जाता है। लेकिन हमको आखिरी में टोनी क्रूस बहुत ही ज्यादा फिजिकलिटी के साथ खेल रहे थे गेम में, बहुत सारे फाउल ड्रॉ कर रहे थे जिसके चलते येलो कार्ड उनको मिल चुकी थी सेकंड हाफ में ही। लेकिन आखिरी में 92nd मिनट में दोबारा एक और येलो कार्ड जो है वो इशू किया गया था रेफरी के द्वारा, जो कन्वर्ट हुआ रेड कार्ड में। अब वो रेड कार्ड पहला रेड कार्ड था टोनी क्रूस का पूरे करियर में, और भाई साहब मैं बोलूं तो गेम खत्म ही हो गया था, रेफरी चाहता तो इग्नोर कर सकता था उस फाउल को, बट पता नहीं रेफरी ने ऐसा क्यों किया। तो दैट रेड कार्ड वॉज थोड़ा सा क्वेश्चनेबल, बट दैट फाउल वॉज अ फाउल, येलो कार्ड डिजर्विंग वाला फाउल था, पूरा पैर में जो है वो मारा था टोनी क्रूस ने, बट रेड कार्ड थोड़ा सा ज्यादा हो गया, ये मेरा ओपिनियन है। अब खैर छोड़ो, क्योंकि गेम खत्म ही हो गया था ना, गेम चल रहा होता एकदम 85th 84th मिनट में रहता तो समझ में आता, लेकिन गेम खत्म हो गया था 92nd मिनट चल रहा था, समझ रहे, एक्स्ट्रा टाइम में रेड कार्ड मिला है और पहला रेड कार्ड उसके करियर का। ऐसा लगा कि रेफरी ना हिस्ट्री बनाना चाह रहा था टोनी क्रूस के खिलाफ। एनीवेज यही थी आज की रिव्यू गाइस, हमने हर एक लीग के बारे में बात कर लिया। प्रीमियर लीग का टेबल तुम देख ही सकते हो काफी ज्यादा जो है वो कॉम्पिटेटिव नजर आ रहा है एज ऑलवेज। हो सकता है मैन सिटी जो है वो आखिरी में रेस जीत जाए और आर्सेनल जो है वो सेकंड फिनिश कर दे। ऑन द अदर हैंड ला लीगा की अगर मैं बात कर लूं तो देखो ला लीगा भैया रियल मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना बहुत ही टफ चल रहा है, आगे नीचे का तो मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, लेकिन रियल मैड्रिड केवल अब एक ही पॉइंट क्लियर है अबव बार्सिलोना, और बार्सिलोना के पास जो है अब ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है रियल मैड्रिड को बीट करने के लिए। मैंने कहा था रियल मैड्रिड देखना आगे लीग में क्लासिको की जो है वो स्कोर लाइन उतनी मैटर नहीं करती, क्योंकि आगे गेम्स है रियल मैड्रिड के लिए, और वर्ल्ड कप के बाद हो सकता है रियल मैड्रिड थोड़ी सी सफर करे तो बार्सिलोना कैपिटलाइज कर सकती है उस चीज के चलते। एनीवे चलो मिलता हूं वीडियो में, जय हिंद।